छायानत ई विद्यालय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबको पता है क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब क्या है, रेस्ट के ऊपर। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में मेरे बात? चलो हम स्टार्ट करते हैं पटापट। ओके, फर्स्ट देखो चार्ज क्या होता है, सबको पता है चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। ठीक है, अब चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखते हैं। सबको पता है चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। और कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होता है, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, सबको पता है, राइट। और अगर मैं उसी न्यूट्रल बॉडी में से अगर कोई देखो इलेक्ट्रॉन है ऐसी चीज़ें वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकती है, राइट। प्रोटॉन्स हम ट्रांसफर नहीं करते, ट्रांसफर क्या होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, राइट। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, राइट। हाँ देखो अभी किसी न्यूट्रल बॉडी है, मतलब अगर कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है उसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो पहले क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बराबर थे न्यूट्रल में। लेकिन अब अगर मैं अब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूँ तो प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, तो वो बॉडी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और उसी तरह अगर मैं न्यूट्रल बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो वो बॉडी कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। समझ में मेरी बात? यस। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये देखो चार्ज क्वांटाइज मतलब क्या, जो भी चार्ज आएगा, चार्ज आएगा वो क्या है, देखो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, ठीक है। क्यू इक्वल टू प्लस और माइनस एन टाइम्स ई। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में हम चार्ज देखते आए हैं, सबको पता है, राइट। क्या है, 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 कूलम, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट वही क्या है कि किसी भी अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे बनाया है, देखो एक सिस्टम है ए बी सी की, उसके अंदर देखो ए पे चार्ज 2c है, बी पे 5c है और सी पे माइनस 3c है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या आएगा, 4 कूलम। और आगे देखो अगर मैं इस पर कुछ मीटर से अगर इनको पास लो और वापस अलग कर दूँ तो ए पे क्या चार्ज आ रहा है, 4c, बी पे 2c, सी पे माइनस 2c। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो क्यू नेट कितना है, 4c। समझ में मेरे बात? नेट चार्ज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आगे अभी बात ये बच्चों की बात होगा, सबको पता है सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चार्ज एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, सबको पता है, लेकिन चार्ज बनता नहीं या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता, सबको पता है, राइट। चार्ज एडिटिव है, मतलब चार्ज ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं चार्ज को। समझ में मेरी बात? समझ गए इतनी बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा अभी हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। व्हाट इज कूलम्स लॉ? देखो कूलम अपन ने एक लॉ दिया, ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट कॉपी किया है, ठीक है। हाँ न्यूटन का लॉ कॉपी किया इन लोगों ने, वो मिस्टर बिन वाला ये था ना मीम, वैसा ही है, कॉपी करके देख के लिखा है, सिर्फ मास के जगह पे चार्ज लिखा है, जी के जगह पे के लिखा है, और कुछ नहीं, ठीक है। अभी देखो क्या है, दो चार्ज है क्यू वन क्यू, इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए, दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ठीक है। क्यू वन क्यू टू एक डिस्टेंस से सेपरेट है आर, तो इनके अंदर कूलम्बिक फोर्स लगती है, वो कितनी लगती है, के टाइम्स क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के क्या है, 1/4πε0, ठीक है। के की वैल्यू क्या है, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, उसकी क्या है वैल्यू क्या है, 8.85×10⁻½ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में इतनी बात? ये देखो क्वेश्चन है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, एक 3c है, 3 कूलम, 6 कूलम, 2 चार्ज है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अभी फोर्स बताओ, देखो फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कैलकुलेट किया आंसर, ठीक हो। अभी देखो, अभी देखो दो चार्ज है, पहले दो चार्ज थे 4 कूलम और 8 कूलम, ठीक है। पहले दो चार्ज थे 4 कूलम और 8 कूलम दो चार्ज थे, ठीक है। उनके अंदर एक फोर्स लग रही थी F, ठीक है। क्वेश्चन समझो, 4 कूलम 8 कूलम दो चार्ज थे, उनके अंदर फोर्स पहले लग रही थी F, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो 8 कूलम है उसके अंदर इन्होंने ऐड किया -2 कूलम, ठीक है, -2 कूलम उसमें ऐड किया, किसमें, 8 कूलम में। तो अभी से अभी फाइनल स्टेट क्या हुई, फोर्स ही है वैसा, लेकिन 8 जो कूलम है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कितने से, 2 से, और क्या हो गया उधर, 6 कूलम चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर फोर्स क्या आएगी, इसके अंदर फोर्स क्या आएगी, F डैश इक्वल टू K टाइम्स 4×6 बाय आर स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है समझ में, आर स्क्वायर जो का अभी कैलकुलेट करेंगे सब, एफ फोर सिक्स आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने उधर से निकाली है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में जा, तो अब इसको डायरेक्ट रेशियो लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा कट करो आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ देखो अभी आगे नोट, ये देखो अभी नोट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगर देखो कोई बॉडी है, अगर आपको पूछता है कि इन दोनों के अंदर मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए, ठीक है, तो इनके अंदर मैं चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो चार्ज आधा आधा कर दो, आधा आधा कर दो, मतलब क्यू बाय टू कर दो, सबसे मैक्सिमम फोर्स मिलेगी। यस हाँ आगे देखो सेम वैसे क्वेश्चन, क्यू वन क्यू टू अपन पहले आर से उनके अंदर फोर्स एफ टी, फिर उनके अंदर का डिस्टेंस जो है वो डबल किया, मतलब आर को डबल किया, तो एफ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फोर टाइम्स। यस अभी देखो मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स के अंदर, ये देखो क्यू वन क्यू टू दो फोर्स है, क्यू वन क्यू टू दो चार्ज है, ठीक है, उनके अंदर फोर्स लग रही है। देखो अभी एफ कोई मीडियम के अंदर एफ कैसे कैसे लिखते हो, देखो वन अपॉन फोर फाइव, वन अपॉन फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, रिलेटिव परमिलिबिलिटी भी आती है इसके अंदर, तो क्या आता है क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो पता है। देखो अब क्या है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है इसके अंदर, एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इतने एक्स्ट्रा है, राइट, तो एफ मीडियम में क्या हो जाएगा के वन अपन फोर पे एप्सिलॉन क्या है के, तो के जब है वैसा क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर अपन एप्सिलॉन आर, तो किसी भी मीडियम के अंदर जो फोर्स होती है वो फोर्स इन एयर के एप्सिलॉन टाइम आर से कम होती है, ठीक है, एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है, और मीडियम का एप्सिलॉन में कैसे निकलेंगे आप, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एब्सोल्यूट, मैं ई आर इनटू ई नॉट, ई आर हमेशा वन से ज़्यादा है, इक्वल टू वन है वन से कम ज़्यादा, ठीक है। ई आर क्या देखो, ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ई एम बाई ई नॉट, या फिर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम इज ई आर, समझ में इतने बात, ठीक है। यस एफ मीडियम इक्वल टू एफ आर अपॉन ई, यस एफ मीडियम इक्वल टू एफ आर अपॉन एप्सिलॉन आर। चलो आगे, अभी कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म के अंदर, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखो ये सब कैलकुलेशन है, देखो दो चार्ज है क्यू वन क्यू टू स्पेस के अंदर, देखो ओरिजिन से क्यू वन का डिस्टेंस आर नॉट है, और नहीं इसका डिस्टेंस आर वन है, और क्यू टू का ओरिजिन से डिस्टेंस आर टू बार, ठीक है, वेक्टर वेक्टर फॉर्म में क्यू वन क्यू टू में कहेंगे आर बार टू वन, इसी कॉर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन, उसके एक्स टू वाई टू जेड टू, आर टू, देखो फोर्स ऑन क्यू टू डू टू क्यू वन क्या है, फोर्स ऑन क्यू टू डू टू क्यू वन क्या आएगा, एफ टू एफ अपॉन टू बिकॉज ऑफ वन इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर टू वन बार का स्क्वायर इंटू आर कैप टू वन, ठीक है। यस यस अब आर कैप की वैल्यू कैसे निकलती है, आर वेक्टर टू वन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, सबको पता है वेक्टर्स में समझ में देगा। यस अब देखो उसका मॉड कैसे निकालोगे, उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस का स्क्वायर, यस ये देखो उसके बारे क्वेश्चन भी है, देखो देखो दो चार्ज है क्यू वन क्यू टू टू सी फाइव सी, फाइन फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन ऐसा पूछा, तो फोर्स क्या है के वन क्यू टू आर स्क्वायर, हाँ क्यू वन क्यू टू दिया है और उसकी कॉर्डेंस दिया है, तो अभी इनके अंदर आप क्या फाइन करेंगे, उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइन करेंगे, क्या फाइन करेंगे आर टू वन, वो कैसे करोगे, फाइव माइनस टू अपॉन आई कैप, नाइन माइनस फाइव जे कैप, एट माइनस एट के कैप, तो सब सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, आर टू वन वेक्टर फॉर्म में क्या आ रहा है आपका थ्री आई प्लस फोर जे प्लस जीरो के, तो उसका मॉड क्या आएगा फाइव, मॉड फाइव आएगा, इक्वेशन क्या है अपनी के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, आर क्या आया पता फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, सॉल्व करो खत्म हो गया सॉल्व, क्या आंसर आया एटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव टेन टेस्ट टू नाइन के आई थ्री आई कैप प्लस फोर जी, वेक्टर फॉर्म में लिखना है वेक्टर फॉर्म में लिखो, मॉड में करके सॉल्व करना, मॉड करके सॉल्व करो कोई इशू नहीं है। यस यस ये देखो यहाँ पे जो है थ्री आई कैप प्लस फोर जी अपन फाइव लिखा, वो क्या है आर कैप है, आर कैप टू वन और आर वेक्टर क्या है फाइव। यस आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशनिंग, देखो फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर, देखो मतलब देखो क्या है मैं बता दूँ, अगर तीन चार्ज है, अगर तीन चार्ज है और अगर किसी एक चार्ज के ऊपर अगर कोई चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इस तरह लगाएगा कि जो थर्ड चार्ज है उससे वो इंडिपेंडेंट है उसकी फोर्स, समझ में, हाँ कोई भी चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा हो तो वेक्टर सम होता है सबका, सब फोर्सेस का। अभी देखो समझो समझो, देखो अभी अभी चार्ज क्यू एक चार्ज है, यहाँ पे क्यू वन है क्यू टू क्यू थ्री क्यू वन, ठीक है चार पांच चार्ज है और क्यू पे फोर्स निकाल रहे हो, तो क्यू वन इस पर फोर्स कुछ इस तरह लगाएगा, क्यू टू कुछ इस अपने तरफ लगेगा, क्यू थ्री अपने तरफ, क्यू एन अपने से दूर, अभी रैंडम है कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसे से बता रहा है कि वेक्टर फोर्स वेक्टर एडिशन होती है नेट फोर्स की, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट क्या हो गया, अभी एफ नेट इज एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एफ प्लस प्लस प्लस
एफ एन, जितने भी चार्ज है उन सब की नेट ये लेती है फोर्स की, वेक्टर समझ लेते हैं। यस आगे बढ़ते, देखो ये क्या फास्ट कैलकुलेशन में क्या सीधे सीधे एंगल, अगर 60 डिग्री के अंदर दो फोर्स लग रहे तो उसका नेट क्या आता है रूट थ्री एफ आता है, ठीक है। अगर 120 पे लग रहे तो उनका नेट क्या आता है एफ ही आता है, अगर 90 पे लग रहे तो रूट टू एफ आता है, समझ में। अभी देखो ये ट्राइंगल है, अभी ये क्वेश्चन देखो ट्राइंगल माइनस क्यू क्यू नॉट, अभी पूछेगी क्यू नॉट के ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछे, देखो क्यू नॉट जो है क्यू नॉट उसके ऊपर फोर्स बताओ नेट फोर्स, तो माइनस क्यू दोनों इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट। लेंथ सबकी एल है तो एंगल क्या बन रहा है इनके अंदर 60 डिग्री, अभी पीछे देख के हम 60 डिग्री के ऊपर क्या आता है नेट फोर्स रूट थ्री टाइम एफ, एफ क्या है के क्यू क्यू नॉट बाय एल स्क्वायर रूट थ्री, खत्म, इतना ही से सब, कोई ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस देखो यह ट्रिक्स है, ये ध्यान रखना चाहिए अपने एफ नेट कैसे निकलते, देखो ये देखो 60 सेम क्यू नॉट माइनस क्यू प्लस क्यू है, अभी यहाँ पे क्या है प्लस क्यू है तो प्लस क्यू अपने से रिपेल करेगा प्लस क्यू उसको और माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, तो देखो अभी ये ग्रीन देखो ग्रीन जो फोर्सेज बन रहे हैं ग्रीन से उनके अंदर एंगल कितना आ रहा है 120, अगर 120 के अंदर क्या आता है फोर्स सेम रहता है एफ ही रहता है क्यू अभी ये सब वेक्टर्स में पढ़ा है तुम लोगों ने, राइट। ये सब ट्रिक्स है, अभी फटाफट देख लेंगे। यस चलो आगे बोलते, एफ नेट इज एफ के क्यू क्यू नॉट बाय एल स्क्वायर, समझ में इतनी बात। देखो ये इंपॉर्टेंट है, 60 पर रहेगा तो रूट थ्री, 120 पर रहेगा तो एफ, 90 पर रहेगा तो रूट टू। यस देखो स्क्वायर है, अभी देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस अलग है, स्क्वायर है क्यू 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 नॉट क्यू, तीन क्यू है एक क्यू नॉट है, क्यू नॉट के ऊपर फोर्स कुछ, देखो अभी ये क्यू इसको क्यू नॉट को रिपेल करेगा आगे एफ से, ये क्यू इसको ऊपर रिफ्लेक्ट, ये क्यू इसको आगे रिपेल ही करेगा, लेकिन इसका डिस्टेंस देखो जो बीच का जो क्यू है इधर रूट टू एल, राइट, यहाँ से एल यहाँ से एल एल, सो सेंटर से आके डिस्टेंस कितनी होगी रूट टू एल, तो देखो फोर्स क्या आएगी रूट टू एफ प्लस एफ वन, रूट टू एफ प्लस एफ वन। यस क्या आता है रूट टू जो है, देखो इसकी वेक्टर सम के पहले इन दो फोर्स को पहले वेक्टर सम करो, और इसकी तो फोर्स सेम लगे रही सेम डायरेक्शन लगे तो दोनों को ऐड कर दो, देखो कैलकुलेट करके आंसर। यस अभी ये देखो क्या है लीनियर चार्ज अरेंजमेंट, देखो अब अगर कोई तीन चार्ज है समझो, अगर कोई तीन चार्ज है ठीक है, अभी देखो ए बी सी में तीन पॉइंट ले रहा हूँ, तीनों पे मैंने तीन चार्ज रखे है, ए पे है -3 माइक्रोकूलम, बी पे है 4 माइक्रोकूलम, सी पे है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ओके। अभी ए और सी का डिस्टेंस देखो कितना है 3 मीटर, ए और सी का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, और ए और बी के अंदर डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, बी और सी में कितना है 2 मीटर, ठीक है। अभी देखो एफ नेट आप कहीं पे भी निकालो, ठीक है, अगर एफ नेट निकालते हो एफ नेट क्या होगा सी के ऊपर अगर मैं फोर्स देखूँ तो कौन किसी फोर्स है सी पे, बी की और ए की, बी क्या कर रहा है उसे रिपेल, ए क्या कर रहा है उसे अट्रैक्ट, समझ में। तो एफ नेट निकालो वैसे आप एफ बी माइनस एफ है, ठीक है, के क्यू वन क्यू टू माइक्रो है करके देन -6 × 6 − 12 डिस्टेंस का है जो उसका स्क्वायर, डिस्टेंस जो उसका स्क्वायर, समझ में। यस देखो ऐसे एफ नेट निकालता है, ऐसे एफ नेट निकाल जाता है किसी के अंदर से, अगर तीन चार्ज दिए चार्ज दिए देख पहले चार्ज देखने का क्या चार्ज पूछा है उस चार्ज के ऊपर कौन से किस चार्ज के वजह से, अगर देखो कोई चार्ज सी पॉइंट है उस पर एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, राइट, सी पॉइंट है उस पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, और पूछा गया क्या है कि नेट फोर्स बताओ सी पे, तभी उस चार्ज के ऊपर किस चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है वो देखने का, ठीक है। अभी सी पे देखो 4 माइक्रोकूलम भी फोर्स लगा रहा है, -3 भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अभी -3 अट्रैक्ट कर रहा है, 4 रिपेल कर रहा है, इतनी बात क्लियर सबको, इतनी बात क्लियर है। यस तो अभी देखो एफ नेट कैसे निकालो, चार्ज ज़्यादा किसका है बी का या ए का, बी का 4 माइक्रोकूलम तो एफ बी माइनस एफ ए कर रहा है, तो एफ बी क्या है 4 × 2 डिस्टेंस देख लो। यस क्या है डिस्टेंस 2, उसका ए और सी का क्या है 3, उसका स्क्वायर वैल्यू पुट करो आंसर खत्म। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है कि थर्ड चार्ज की पोजीशन बताते हैं कि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए सबके अंदर। अभी देखो Q1 Q0 Q2 तो Q0 देखो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, किसके लिए वैलिड है देखो, भले दोनों चार्ज पॉजिटिव दोनों चार्ज नेगेटिव, मतलब दोनों चार्ज का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए, पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव। देखो
एक्स वन, एक्स वन किससे देख रहे हैं अपन, क्यू वन से देख रहे हैं, कितना डिस्टेंस पे रखना है उसका फॉर्मूला क्या था देखो, रूट ऑफ क्यू नॉट अपन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू इंटू एल। ठीक है, क्या फॉर्मूला था एक्स वन का, क्या था अगर क्यू वन से अगर हम डिस्टेंस देखें, क्यू नॉट होना चाहिए क्यू वन है, ठीक है, एक्स वन इक्वल टू रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू इंटू एल, एक्स टू इक्वल टू रूट क्यू टू अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू इंटू एल, ऐसा फॉर्मूला समझे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है इससे देखो। और अपोजिट चार्ज करेंगे तो कैसा करने का, सिर्फ नीचे जो है अपन ऐड कर रहे थे नीचे उसको माइनस करते हैं, हाई जो हाई बड़ा है जो बड़े में से छोटे को माइनस करो, बात करता हूँ यस। हाँ देखो अगर ये जो पॉइंट चार्ज अगर अपोजिट है तो हमेशा फोर छोटे वाले के प्लस आती है, नेट फोर जीरो करना, तो पोजीशन क्या है कहाँ आती है, दो चार्ज छोटा है उसके पास लेकिन दोनों के बीच में नहीं आती, दोनों से बाहर आती है, बीच वाले के बाहर आती है, और अगर सेम रहेंगे तो उनके बीच में ही आती है नेट फोर्स जीरो। ठीक है यस, आगे नॉन लीनियर देखा है, अभी देखा पीछे वेक्टर सम करके सॉल्व करना, वेक्टर सम करके ऐड करने का यस। देखो बात क्लियर है, इस पर प्रैक्टिस करना वापस आज पी वाई क्यू और उसके। ठीक है हाँ ये देखो केस टू क्या था, ये देख लिया हमें, हमने एक्स वन एक्स टू दोनों सेम चार्ज है तो फोर्स नेट फोर्स की पोजीशन कहाँ आती है सेंटर में, दोनों अपोजिट है तो अगर अपोजिट चार्ज है तो नेट फोर्स कहाँ आती है दोनों के बाहर लेकिन जो छोटा चार्ज है उसके पास आती है यस। ये देख लिया, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा। तो अभी हम इसे वाइंड अप करते होंगे, एक पार्ट हो गया, अभी कल हम मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स आ गए आ जाएंगे वो भी देखो, कल के लेक्चर्स आए वो भी देखो, ठीक है शॉर्ट ट्रिक्स भी आ रहे हैं वो भी देखो। ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।